Chapter 6 Dhyana Yoga. Hare Krishna. Swagatam, swagatam, swagatam. So swagatam, so swagatam, so swagatam. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ डिस्काउंट की ओर से प्रस्तापित भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के यह छठे दिन के छठे अध्याय के छठे सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं, श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा एवं मैत्री की कृपा से उनके छत्र छाया के आदि हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके चरणार उनके उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए प्रभुपाद जी जो कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, वो कूट कूट कर उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो कि भगवान कह रहे हैं मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप सब भी मुझसे प्यार कीजिए, आ घर लौट आ जा। भगवान से हमारा दुख देखा नहीं जाता है, कष्ट देखा नहीं जाता है, क्लेश देखा नहीं जाता है, और वो कह रहे हैं कि आ घर लौट आ जा। ये सुंदर भगवान का भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन भी परेशान है, क्योंकि धृतराष्ट्र का एक योजना है और भगवान का योजना है, और वो योजना अलग होने के कारण धृतराष्ट्र परेशान है। अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में कहता है कि मैं पांडव हूँ, भगवान कहता है रुको जरा आपको असलियत बताता हूँ कि आप असली में कौन हो, तो दूसरे अध्याय में बताते हैं आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। अर्जुन कहता है ये कौरव जो है मेरे दुश्मन है, पर भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में आपको बताता हूँ आपके असली दुश्मन जो है कौरव नहीं है, असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन अंदर है। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विदेना वैरिना। वो काम है, क्रोध है। अच्छा, भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं
पांडव सेना मेरे अपने हैं, भगवान कहते हैं आपके अपने पांडव सेना या कोई और सेना नहीं, हमारे अपने हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे गुरुजन तद्विधि प्रणिपाते ना। और पांचवें अध्याय में कहते हैं भगवान सुहृदय हैं हमारे। अब जब ये पता लग जाता है कि हम आत्मा हैं, काम क्रोध हमारे दुश्मन है, गुरु और भगवान अपने हैं, तो भगवान की योजना पे हमें पूरी तरह से एकटक होकर ध्यान लगाना है। इसलिए छठा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मनुष्य जीवन और मोबाइल या कैमरा कैमरा ध्यान फोकस के बगैर कुछ काम का नहीं। कैमरा में जितना अच्छा फोकस उतना अच्छा कैमरा, कैमरा में मनुष्य में जितना अच्छा फोकस उतना अच्छा मनुष्य। तो फोकस किस बात का? एक ही गुरु नंदना, भगवान की योजना पे पूरा फोकस होना चाहिए। प्रभुपाद जी को 1922 में यह आदेश मिला था पाश्चात्य देशतारी ने, और ग्रंथ लिखो जीवन भर 1977, लगभग 55 साल तक उसी पे फोकस फोकस फोकस। यह है अर्जुन से कहा गया, पेड़ के और देखो पेड़ के अंदर एक लकड़ी के तोता है, और तोते के आंख पे देखो। युधिष्ठिर ने कहा मुझे आकाश दिखा है, और दुर्योधन ने कहा मुझे भी आकाश और वृक्ष दिखा है। भीम ने कहा आकाश भी दिख रहा है और पेड़ भी दिख रहा है। सबको हटाया, अर्जुन से कहा देखो क्या दिख रहा है, बोला कि मुझे कुछ नहीं, केवल जो है वो तोते का आंख दिख रहा है। शूट यानी कि तीर चलाओ, सटीक आंख पे लगा। तो यह है ध्यान। एके ना कुरु नंदना, आइए इस छोटी सी भूमिका के साथ इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम भाग एक में देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन का जो संन्यास जाने का विचार है उसका वर्णन किया जाएगा। संन्यास के अष्टांग योग के अलग अलग स्तर का वर्णन आएगा। मन कैसे हमारे साथी है, मन को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है इसका वर्णन आता है। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो इस प्रकार का संन्यास के लिए योग्य नहीं, तो निष्काम कर्म योग का वर्णन आता है। तो वो असफल निष्काम कर्म योगी भी अन्य मार्ग के सफल जो है सदस्य से श्रेष्ठ है, और भक्ति योग सर्वोच्च है, और इसके बाद हम सार देखेंगे, और उसके बाद प्रश्न उत्तर बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, बड़ा सरल है ये छठा अध्याय। और विलंब न करते हुए हम इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का होता है सुंदर भगवान ने कहा। सुंदर भगवान ने कहा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात वेदव्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सुंदर है। ध्यान से सुनकर इसे अपने जीवन में उतारे तो हमारे जीवन भी सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, सा संन्यासी चा योगी चा ना निरग्निर्न चा अक्रिया। अर्जुन सोच रहा था कि मैं जंगल में जाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, ऐसे बैठे रहूंगा और संन्यास लूंगा। नहीं, भगवान कहते हैं असली योगी और असली सन्यासी, सन्यासी का अर्थ होता है जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं, योगी का अर्थ होता है वो पूरी तरह से भगवान को श्रेय देता है। जैसे सन्यासी के बारे में कहता है जब नाम जपोगे कृष्णा मिटेगा मन का तृष्णा, बोलो कृष्णा 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 मिटेगा तन का मन का तृष्णा। तृष्णा संसार के प्रति के आकर्षण वो मिट जाता है, और योगी का अर्थ है वो जो भी करता है भगवान को श्रेय देता है, और वो कहता है हम करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से वो भगवान को श्रेय देता है इस प्रकार से। पर सन्यासी भी कार्य करता है और
अनाश्रित फल, कर्म करने के बाद कर्म के फल पे आश्रित न देने में, इतना मेहनत किया तो मुझे 10 लाख रुपया 10 करोड़ रुपया चाहिए चाहिए चाहिए, अनाश्रित फल है, वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। और कार्यम करोति यह, तो इस प्रकार से वो कार्य तो करता है। इस अर्जुन सोच रहा था कि वो जंगल में बैठेगा, अग्नि नहीं जलेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, और इस प्रकार से उनका वो अपना दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। नहीं, प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए, इतने सारे इंटरव्यू, इतने सारे 3,000 से ज्यादा प्रवचन, अद्भुत कार्य किया, और उन्होंने अग्नि यज्ञ किए, हाँ, दीक्षा समारोह में, विवाह समारोह में भी, और वो भोजन भोग भी बनाते थे भगवान के लिए, कभी कभी तो 200 लोगों के लिए भी भोग बनाते थे, 1 घंटे में 4 प्रकार का आइटम, चपाती, गरम दाल, चपाती, राइस और सब्जी, 1 घंटे में सब कुछ भोग लगा के तैयार करते थे। तो यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडवा नाहि आ संन्यास अस्त संकल्प योगी भवतो कश्चना। जो अपने आप को योगी कहता है, योगी का अर्थ होता है जो जो भगवान भगवान पे पूरा अपना मन लगाता है, और संन्यास वो होता है जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का जो है इच्छा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये संन्यास और योग एक तरह से एक ही है, यानी कि सन्यासी भी जब भगवान में मन लगाता है तब उनका मन का तृष्णा मिट जाता है, और योगी भी कार्य करता है और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। ये बात है तो मुझे सन्यास लेने दो ना, क्यों लड़ाई करने के लिए कह रहे हो? ठीक है अर्जुन, अष्टांग योग के अलग अलग मैं स्तर बताता हूँ। अष्टांग योग के 2 स्तर होते हैं, एक परिपक्व अवस्था और अपरिपक्व अवस्था। अपरिपक्व अवस्था यानी कि जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल। जो जूनियर संन्यास स्कूल संन्यासी होते हैं, अपरिपक्व अवस्था जिनका मन पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ, आरूर, उनको आरूर वृक्ष कहते हैं, और जो परिपक्व हो जाते हैं उनके योग आरूढ़स्य कहते हैं। आरुर्वृक्षोर्मुनयः योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्य एव समाकारणम् उच्यते। तो जो लोग योग में योग जिसका मन अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है वो आरुर्वृक्ष मार्ग में रहते हैं, जूनियर है, और जो मन परिपक्व होता था जंगल में चले जाते तो सीनियर है। यदा हिने इंद्रिय अर्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्य तदुच्यते। जब तक उनका मन परिपक्व नहीं होता है वो संसार में रहता है, संसार में कार्य करता है और कार्य का फल भगवान को अर्पण करता है। जिस वक्त उनका मन पवित्र हो जाता है वो पूरा संकल्प लेके योग आरूढ़ से जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जीवन भर उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जब मन पवित्र हो जाता है जंगल जाने के लिए तैयार। तो जंगल में वो क्या करता है? उद्धर एद आत्मना आत्मानान आत्मानाम अवसद्यते आत्महेव हि आत्मनो बंधुर आत्मएव रिपुर आत्मना। तब पता लगेगा कृष्णा कि वो जूनियर है कि सीनियर है। अर्जुन वो अपने मन को टटोल के देखता है, जब मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है तो वो समझ लेता है वो परिपक्व है, और मन जब तक भगवान में नहीं लगता है तब वो अपरिपक्व है। दूसरे शब्द में यही मन जब भगवान में लग जाता है वो हमारा मित्र है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, और जब ये मन भगवान में नहीं लगता ये हमारा दुश्मन है। ये मन हमारा जो है साथी है, तो हम किसके साथ हैं हमें सोच के देखना चाहिए। जरा सोच के सोचो, हम किसके साथ हैं, दुश्मन के साथ हैं या दोस्त के साथ? वो मन भगवान में अगर लगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला में लग गया, तो समझ लेना चाहिए कि ये मन
हमारा मित्र है, और वही मन जब भगवान में नहीं लगते हुए संसार में लगता है तो समझ लेना कि अब हम दुश्मन के साथ है। मन की बात को कभी सुनना नहीं चाहिए। बंधुर आत्मा आत्मना तस्य एन आत्म एव आत्मना जीता, अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्त आत्मना एव शत्रुवत्। ये मन जब पूरी तरह से भगवान में लग जाता है, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और जो अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकता है वो अपने सबसे बड़ा दुश्मन, यानी कि भगवान जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजगुण समद भवा माशन महा पापा विदीन वैरी नाम, सबके बड़े दुश्मन के साथ हम ठहरते हैं। जीतात्मना प्रसन्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु ततमान अपमानयो। और जब वो सन्यासी यम नियम प्राणायाम करके सेवा करके मन पवित्र कर लेता है, जीतात्मा हो जाता है, यानी कि उनका मन भगवान में लगने लग जाता है, वो प्रसन्न रहता है, जो कुछ भी उनको प्राप्त है वो सत्य भगवान का बड़ा कृपा है उनके ऊपर, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं देखते कि भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके घर में मेरे घर से बड़े टेलीविजन कैसे, उनके पास हमारे से बढ़कर गाड़ी कैसे। बहुत प्रसन्न रहते हैं, भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया। परमात्मा परमात्मा समाहितम, पूरी तरह से वो शिरोधक्ष विष्णु के योजना को जान लेता है और उस योजना के अनुसार जीने लग जाता है। चाहे गर्मी हो या ठंड हो, सबको सहन करके वो और आध्यात्म भगवान की योजना के और आगे को पर मन लगाता है। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो उसे सुख कहते हैं, या परिस्थिति विपरीत हो उसे दुख कहते हैं, वो मन को स्थिर भगवान के सेवा में लग जाता है। मान सब मिले तो भगवान की कृपा, अपमान मिले तो अपना कर्म पर उससे वो प्रभावित नहीं होता, सब कुछ सहन करके एकेना कुरुनंदना, इस प्रकार से वो सन्यासी तैयार हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्चेति योग समलोष्ट्र अस्मा कंचन। सन्यासी के बारे में और सुनाता हूँ अर्जुन, और सुनाता हूँ, और आपको थोड़ी देर में आपको बता भी दूंगा, आप इस प्रकार का सन्यास के लिए तैयार न, बड़े रुचि के साथ सुन रहे हो। सुनो सुनो, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, मैं आत्मा हूँ भगवान कृष्ण है। विज्ञान का अर्थ होता है भगवान के बारे में विशेष ज्ञान, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में विशेष ज्ञान, उनके संबंध बढ़ाना। और तृप्त आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो जानता है भगवान ने उनके ऊपर बहुत कृपा किया है, भगवान उनका पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि माँ राम राघव राम राव राम राघव रक्षा माँ, वो जानते हैं भगवान मेरा पालन करेंगे और रक्षा करेंगे, और तृप्त रहते हैं। कुटस्थ विचि जितेंद्रिय, वो पूरी तरह से अपने इंद्रियों के ऊपर को वश में रखता है, और वे चाहे जो कुछ भी है उनके सामने आता है, उनके अनुभव में आता है, वो सब भगवान का, भगवान के सेवा में युक्त वैराग्य। उसे धन मिले भगवान के सेवा में, उसे उसे लोहा मिले पत्थर मिले भगवान के सेवा में मंदिर बना देते हैं। अगर उन्हें जो है कंचन मिले, यानी कि सोना मिले, भगवान का जो है मंदिर में चढ़ावा कर देता है, मुकुट बनाते हैं या मंदिर ही सोने का बना लेता है। ऐसा नहीं कि पत्थर मिला तो फेंक दिया और सोना मिला तो खजूरी खजूरी के अंदर छुपा के रखते हैं। नया सुहिल मित्र आरि उदासीनो मध्यस्थ
देवस्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। वो उनका कोई मित्र नहीं, कोई दुश्मन नहीं, वो जानते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ, हम सब जो है जीवात्मा भगवान के संतान है, कोई नटखट है तो कोई प्यारा है, पर सब हमारे हैं और सबके लिए शुभचिंतक करते हैं। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और सबसे प्रेम का संबंध बना के रखता है और शास्त्र के अनुकूल जीवन जीता है, उसे साधु कहते हैं। और साधु के साथ हो या जो शास्त्र के विरुद्ध पापी है उनके साथ, वो सम बुद्धि रखते हैं। ये साधु है अपने जो है किंचित स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहा है, और ये पापेशु पापी है अपने किंचित जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है, पर जरूर वो अपने समझ के उसे भी मौका देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे भी आगे बढ़े। कृष्ण इतने अच्छे बातें बता रहे हो सन्यासी के बारे में, मुझे भी सन्यासी बनना है, कृपा करके ये सन्यास के कुछ विधि के बारे में बताइए ना। बताता हूँ और बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये सन्यास आपके लिए नहीं है। योगी युञ्जित सततम् आत्मना रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निरासे अपरिग्राह। इस प्रकार से वो जब परिपक्व हो जाता है, उनका मन भगवान में लग जाता है, वो शिरोधक्ष विष्णु को के योजना को समझ लेता है, वो अकेले रहने के लिए तैयार हो जाता है, वो जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है, अपने मन को स्थिर कर लेता है और सारे भौतिक इच्छाओं से विरक्त होकर वो जान लेता है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूँ और सब कुछ भगवान का, मेरे पास जो भी है वो भी भगवान का, समझ के भगवान के सेवा में चला जाता है। अब अकेले जंगल में तो जाता है, एकांत में वो स्थान कैसा होना चाहिए? सोच देश प्रतिस्ताप्या स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चतरम नाति नीचम चैल जिना कुसुतरम। वो साफ स्थान देखता है, कीड़े मकोड़े नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए, फिर उसमें ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, अगर जात बहुत तो ज्यादा ऊंचा होगा तो हवा आएगा वो डिस्टर्ब करेगा, और नीचे होगा तो पानी जो है आसन के ऊपर आ जाएगा, और वहां पे जो है कुशा का घास डाल देते हैं, उसके ऊपर हिरण का चमड़ी, फिर उसके बाद जो है एक सैफरन यानी कि लाल जो है गेरवा सिल्क का कपड़ा, हाँ संगे सिल्क का कपड़ा डालते हैं। अब ये जो है कुशा घास का जो आसन है, वो वास्तव में उसके अंदर एक शक्ति होता है, वो सर्प कीड़ों को दूर रखता है, नहीं तो आसन में बैठे और टांगों के बीच में कीड़ा काटने लगे तो ध्यान भटक जाता है, तो इसीलिए वो कुशा का घास। और कुशा का घास के बाद वो कहते हैं वराह भगवान केशव उदिता शुकर रूपा, वो जब आते हैं तब पानी में छलांग लगाते हैं और वापस पानी निकालने के लिए हम वो टवल नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार से जैसे सुकर करता है वैसे ये दिव्य सुकर करने लगा तो कुछ बाल गिरे, तो वही कुशा घास है, पवित्र घास है, आसन लगाते हैं। हिरण के जो चाल है वो जिंदा हिरण नहीं, मरा हुआ हिरण का चाल लेकर उसे सुखाकर नमक लगाकर पवित्र कर देते हैं, वो उसमें कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो कि सांप और कीड़ों को दूर रख देते हैं, और जो है वे रेशम के गेरवे का वस्त्र उसके ऊपर आराम से बैठते हैं, और इस प्रकार से स्थान मिल गया, आसन मिल गया, अब शरीर को किस प्रकार से ठीक रखे? तत्र एकाग्रमनः कृत्वा यथा चेतिन्द्रिय क्रिया उपावेश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। इस प्रकार से वो जो है अब आसन में बैठ तो जाता है और मन को एकाग्र कर लेता है, और शिरोधक्ष विष्णु
जो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं उनके मुस्कुराते हुए नीले रंग का चेहरा को देखने लग जाते हैं। फिर समम काय शिरो गृहम धार्यम अचल स्थिरम संप्रेक्षया निशा का ग्राम संदिशा चा नावलोकयान। वो अपने सर को, अपने पीठ की हड्डी को और गर्दन को एक एक सिधाई में रखते हैं ताकि मन इसे शरीर स्फूर्ति में रहता है और पद्मासन बैठता है। आंख को ना पूरा खोलते हैं, पूरा खोले तो इधर उधर के सब दृश्य दिखता है, पूरा बंद करे तो के नींद आने का भी खतरा है, तो नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार के स्थान चुन लिया और स्थान में कैसे बैठना वो भी बताकर अब अर्जुन सोचते हैं आगे बताइए आगे बताइए, बताता हूँ। प्रसन्न आत्मा विगत वीर ब्रह्मचार्य व्रत स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत परा। अब स्थान हो गया, शरीर हो गया, अब मन के और मन से वो प्रसन्न रहता है। वो हर प्रकार के गंदे विचार से, मैथुन के विचार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को पवित्र रख के जीवन का लक्ष्य शिरोदक्ष विष्णु को प्रसन्न करने में लग जाता है। युंजान एवं सद आत्मना योगी नित्य मनसः शांति निर्वाण परमं मत्सांस्ताम अधिगच्छति। इस प्रकार से वो शिरोदक्ष विष्णु का मुस्कुराते हुए चेहरा देखता है और उस पर ध्यान लगाता है, उनके किरीट मुकुट पर ध्यान लगाते हैं, उनके कान के कुंडल पर पीताम्बर वस्त्र कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला पे ध्यान लगाते हुए, पीताम्बर वस्त्र पे ध्यान लगाते हैं, उनके चरण कमलों पे ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार से उनके रूप माधुर्य, गंध माधुर्य और वेणु उनके वाणी माधुर्य का आस्वादन करते हैं और इस प्रकार से स्पर्श माधुर्य का भी आस्वादन कर लेते हैं और स्वाद माधुर्य का भी आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से गदगद हो जाते हैं। हे कृष्ण और कुछ नियम बताइए ना। बताता हूँ बताता हूँ। नाति अस्नाता तु योग अस्ति न चैकान्तम् अनास्नत ना चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुना। जो ज्यादा खाता है वो योगी नहीं बन सकता है, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता है, जो ज्यादा सोचता है वो भी नहीं बन सकता है, और जो ज्यादा जागता है या कम जागता है वो भी योगी नहीं बनता है। फिर कौन योगी बन सकता है कृष्ण? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस कर्मशु युक्त स्वप अवा बोधस्य योग भवति दुःख। जो आहार लेता है ना अति ना अल्प, ना ज्यादा ना कम, जितना पेट को जो है 3/4 खाना से आधा खाना से आधा 1/4 पानी से और हवा से भरता है। युक्त आहार विहारस्य, विहारस्य यानी कि टाइम पास नहीं पर हल्का फुल्का। तो जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उधर टाइम पास के लिए यूट्यूब देखते हैं, नहीं टाइम पास के लिए यूट्यूब नहीं, आप एक माला जप कर लिए फिर वापस पढ़ाई कीजिए, आपका जो है रिक्रिएशन अच्छा हो जाएगा। युक्त आहार विहारस्य, ना ज्यादा विहार करे ना कम विहार करे। युक्त चेतस, मेहनत भी ज्यादा नहीं कम नहीं, और कर्म भी ज्यादा नहीं कर्म नहीं, और स्वप्न, ज्यादा सोएंगे तो लेजी होंगे, कम सोएंगे तो क्रेजी होंगे, और ज्यादा जागना भी नहीं है कम भी जागना नहीं है। तो जो इस प्रकार से युक्त का एक और अर्थ है, ऐसे आहार ले जो कि हमें भगवान से जोड़े, ऐसे विहार करें जो भगवान से जोड़े, ऐसे कर्म करें जो भगवान से जोड़े, और ऐसे सोए या जागे रहे कि सोते सोते भी भगवान का स्मरण करें, उसे योग कहते हैं। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर बातों को कहते हुए अब भगवान से बताते हैं और बताता हूँ और अच्छी तरह से बताता हूँ कि आप किस प्रकार के ना लायक हो इस यानी कि लायक नहीं हो इस पंथ के लिए। यदा विनियता चित्तम आत्मनि एवं
वत इस अते निष्प्रिया सर्व कामे युक्त इति उच्यते तदा। वो पूरी तरह से निष्प्रिया हो जाता है, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है, और वो पूरी तरह से जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान के जो है शिरोधक्ष विष्णु को जो है प्रसन्न करने में लग जाता है, उसके ध्यान में लग जाता है। अब उनको ना तो घर का ना अपना शरीर का कोई चिंता होता है, मन इतना शांत हो जाता है जैसे एक कमरे में जहाँ हवा नहीं है वहां पे एक दीप जलता है तो इतना स्थिर होता है, हवा आता है तो क्या होता है अस्थिर हो जाता है, ऐसे ऐसे हिलता है पर स्थिर रहता है। उसी प्रकार से उनका मन स्थिर भगवान में लगा रहता है। यदा दीपो निवा तस्तो नेनगते सोपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मानः। इस प्रकार से उनका मन स्थिर हो जाता है भगवान में एकदम से, शिरोधक्ष विष्णु के मुस्कुराते हुए देखकर, उनके रूप माधुर्य को देखकर, उनकी बातों को सुनकर, उनके लीलाओं को प्रसन्न करके बहुत आनंद का अनुभव करता है। हो कृष्ण, ऐसे योगी सन्यासी सफलता को प्राप्त करता है तो कैसा उनका अनुभव होता है, बताता हूं और आप बताता हूं कि आप हाँ के लिए ये मार्ग नहीं है। यत्रोपारं अते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मना पश्यन् आत्मनि तुष्टति। अब वो इतना शिरोधक्ष विष्णु को मुस्कुराते हुए देखकर, उनके सुंदर नयन को देखकर, उनके वनमाला को देखकर, उनके कुंडल को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, और कृष्ण उनके मुस्कुराहट को देखकर और मुस्कुराते हैं, और कृष्ण का और मुस्कुराते हुए देखकर और मुस्कुरा आनंद का अनुभव करने लगे। इस प्रकार से परस्पर आनंद अम्बुदि वर्धनम का हो जाता है। सुखम ऐतं सुखम अत यांतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिया वेति यत्र न च अव्यम स्थित चलते तत्पता। इस प्रकार से वो शुद्ध पवित्र भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है। भगवान वैकुंठ में जिस प्रकार का भगवान जो सुख अनुभव करते हैं, वैश्व वैकुंठवासी जिस प्रकार के सुख अनुभव करते हैं वो अनुभव करने लगता है। यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यशमंसितो न दुखे न गुरुनापि विचल्यते। इस प्रकार से वो जिस प्रकार के आध्यात्मिक सुख को अनुभव करने लग जाता है, अब कहता है कि अब इस संसार के मुझे बड़े से बड़े सुख भी तुच्छ लगता है। स्थितो अस्मिन् स्थाने अभिलाषी तपसि स्थितो अस्मि। वो भूल जाता है कि, और इतना आनंद का अनुभव करता है कि अब वो भौतिक जगत से उनको कुछ लेना है ना देना है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संज नितम। संयोगम और भी योगम, इस प्रकार से वो सा भगवान से जुड़ जाता है और आनंद के साथ जुड़ जाता है, सुख के साथ जुड़ जाता है, और दुख से वो नाता तोड़ देता है। इस संसार के हर भौतिक कार्य के जो कि दुख लाता है उसे अपना नाता तोड़ देता है। सनिश्चयेनाय योक्तव्य योग निर्वाणी निर्विना चेतसा संकल्प प्रभावान कामं त्यक्ता सर्वानशेषता मनसा एवेन्द्रिया ग्रामं विनियम्य समांततः। और इस प्रकार से वो अकेला जंगल में रहता है, भगवान का अनुभव करने लग जाता है, और इस प्रकार से वह
जो है अपने आप को कृतार्थ मानता है और अपने मन से भगवान को और जो है रिझाने लग जाता है। सने स्नेर उपारा मदे बुद्ध्यादृति गृह तया आत्म संस्थान मन कृतवा न किंचित अपि चिंतया। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज 6 महीने के लिए तपस्या किया, फिर मन ही मन शिवदक्ष विष्णु का अनुभव करने लग जाते हैं। वैकुंठ से भगवान आ जाते हैं गरुड़ के उनके सामने, पर वो शिरोदय विष्णु के ध्यान में ऐसे लग जाते हैं कि उनको ये भी पता नहीं कि विष्णु जो है गरुड़ में आरूढ़ होकर उनके सामने खड़े हो गए हैं। उसे कुछ परवाह नहीं रहता है, जंगल में अकेले हैं, भगवान उनका रक्षा कर रहे हैं और बड़े ध्यान में लग जाते हैं। फिर भी अगर तो शुरू शुरू में मन इधर उधर चलता है तो अर्जुन समझ लेना, ये तो निश्चलति मनसा चंचलम अस्थिरम ततो नियम ये ताद आत्मनि एवा वसम्नियात। मन इधर उधर अगर भटकता भी है तो तुरंत जो है उसे फिर से कहता है कि मन के बातों को ना मानते हुए फिर से शिरोधक्ष विष्णु मिलाते। मन कहता है कि भगवान के रूप माधुर्यों में, लीला माधुर्यों में, गुण माधुर्य में इतना सुख है, ये मन इधर उधर क्यों भटक रहे हो। फिर से वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता मनसा ही एनम योगिनाम सुखम उत्तमम उपाएति शांत राजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। उसके अंदर जितने भी रजगुण है तमगुण है वो सब निकल जाता है और ब्रह्मपुत्र प्रसन्न आत्मा जो सुख जो है शुद्ध मन वाले करते हैं, अकर्मश मन हो जाता है, पवित्र मन हो जाता है और अपार सुख का अनुभव करने लग जाता है। युंजम एवा सदात्मानं। अर्जुन बहुत खुश हो रहे, वाह वाह। भगवान बोलते रुको जरा, आप आपको ठीक करता हूँ। युंजान एवं सदात्मना योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंता सुखमाश्नुते। इस प्रकार से वो भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च सुख का अनुभव करने लग जाता है। और इतना ही नहीं, और वो ध्यान से लगाने के बाद जहां पे भी नजर अब डालता है, वृक्ष को देखता है, पंछी को देखता है, पशु को देखता है, घास को देखता है, सबको देखता है, सबके अंदर आत्मा के साथ अपने ही भगवान परमात्मा को देखता है। सर्वभूतस्तम आत्मा नाम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनाम। इस प्रकार से वो सबके अंदर भगवान को देखता है और जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका को हर जगह पे देखता है, रोमियो जूलियट को सब जगह, इस प्रकार से भगवान को हर जगह पे देखने लग जाता है। ऐसे भक्त जो मुझे सब जगह देखता है, वैसे भक्त को मैं सब जगह अपने हृदय में देखता हूँ। यो माम पश्यति सर्वतः सर्वाम चापि मई पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। इस प्रकार से साधु हृदय मह्यम साधुना हृदय हम भक्त पराधीन, वो भक्त मुझे सब जगह पे देखते हैं, अपने हृदय में देखते हैं। ऐसे भक्त वो भक्त मुझे कभी खोता नहीं और मैं उसे कभी नहीं खोता हूँ। इस प्रकार से भगवान भी उनसे और ज्यादा प्रेम करने लग जाता है। यह तमाम प्रपदंते सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्तितः सर्वता वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अब भगवान जो बात बता रहे हैं इसे देखकर अर्जुन का हाल बेहाल हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपने पूजनीय इष्ट भगवान को सब जगह देखते हैं और सबके अंदर देखते हैं और वो जो है भगवान को योजना को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इस प्रकार से सबके लिए जो है शुभ चाहते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं। आत्मा ओपायम येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि न दुःखम स योगी परमा मता। वो
जो है समम पश्यति, सबको सम दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो किसी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया हो या बुरा व्यवहार किया, सबको जो है अपना मानता है, और किसी से जो है किसी को जो है किसी के प्रति वैर किसी के प्रति जो है वैर इच्छा नहीं रखता है, सम दृष्टि से सबको देखता है। अर्जुन कहता है कि ये मुझसे संभव नहीं, भगवान कहता है बस यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जो है युधिष्ठिर से प्रेम करते हो और दुर्योधन से जो है द्वेष करते हो, दुर्योधन क्योंकि युधिष्ठिर ने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा किया पर दुर्योधन ने आपके साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए युधिष्ठिर से आप प्रेम कर सकते हो और युधिष्ठिर जैसा प्रेम दुर्योधन से नहीं करते, इसीलिए ये योग जो है सन्यासी जो है इस प्रकार से कर सकता है, आज नहीं कर सकता, पहले अध्याय से लेके अब तक मैं आपको यही बता रहा था और आप समझने के लिए तैयार नहीं, मुझसे इतना मेहनत करा के ले लिया, जो भी हो कुछ भी है, कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को लौटा, भूले को भूला नहीं कहता है ना, अंत बला तो सब बला, तो इस प्रकार से बोलता है कि नहीं 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 भगवान कहते क्यों इस प्रकार से नहीं समझते, क्योंकि युधिष्ठिर युधिष्ठिर से मैं प्रेम कर सकता हूं पर दुर्योधन ने इतना हमारे साथ छल किया कपट किया, मेरा मन उनके लिए इस प्रकार से विचार नहीं करता, क्यों नहीं अर्जुन? अब कहते अर्जुन, अर्जुन कहने लगे यो माम योगतया प्रोक्ता समेना मधुसूदना एतास्या महा पश्यामि चंचलवत स्थितम स्थिरम, मैं इस प्रकार से संभाव से एक भाव से सबको नहीं देख सकता हूँ, एतास्या हम ना पश्यामि इस प्रकार से नहीं देख सकता हूँ मधुसूदना, हे कृष्ण मधु नाम के असुर का आपने मारा, मेरे अंदर जो है अब इस प्रकार का जो है विचलित मन हो रहा है, उससे आप स्थिर कीजिए और मुझे संकट से बचाइए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मार्ग मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मेरा मन चंचल है, मैं दूसरे की अच्छाई को भूल जाता हूँ, बुराई को बहुत याद करता हूँ, दुर्योधन ने जो किया मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं अर्जुन? चंचल ही मन कृष्ण प्रमति बलव दृढ़ तस्य हम निग्रह मन ये वायु रे वसु दुष्करम, ये मन जो है चंचल है जैसे एक बंदर जैसा है, और प्रमति यानी कि गलत मार्ग में जाने के लिए वो ललायत रहता है, उसे पता है धूम्रपान करना बुरा है फिर भी वो धूम्रपान करता है, देर को जागना अच्छा नहीं है फिर भी रात को खाओ पियो दिन को आराम करता है, वो गलत मार्ग में जाने के बलवद, और उसे समझाने का प्रयास करे तो और गलत मार्ग में चला जाता है, और गलत मार्ग जाने जाने के लिए वो दृढ़ रहता है, जैसे कि एक बंदर है उसको शराब पिलाओ तो और चंचल हो जाता है, और शराब पिलाकर उसे बिच्छू डंच लेता है तो और कितने वो चंचल हो जाता है, इस प्रकार से मन जो है वायु के गति को रोकने के लिए वो कृष्ण कहो कृष्ण मैं वो रोक दूंगा पर मन के गति को नहीं रोक सकता, क्यों? क्योंकि हे कृष्ण जब बीमारी बढ़ जाता है तो दवाई काम नहीं करता है, दवाई को भी इसी प्रकार से बुद्धि बुद्धि के बातों को मन समझ नहीं पाता है, कृष्ण ये मुझसे योग नहीं होगा, भगवान क्या बस यही बात है। अब यहाँ पे जो है वास्तव में अर्जुन स्वीकार कर लेता है कि वो निष्काम कर्म योग के मार्ग में चलेगा, युद्ध करेगा और वो संन्यास लेना छोड़ देगा, पर भगवान फिर से आगे बताते हैं, श्री भगवान वाचा, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाचा अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अर्थात हम सबको एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी सीधा करके जो है इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना सुनते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर का कार्य ना करते हुए एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं एक एक शब्द नहीं एक एक अक्षर जो है सुंदर और महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण कर दिया। असंशयाम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तू कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते, बीमारी बढ़ सकता है पर एक अच्छा डॉक्टर के पास जाने से वो वैद्य जो इस प्रकार का नियम बताता है उस प्रकार का यम नियम का पालन करे तो वो बीमारी भी बड़े से बड़े बीमारी भी दूर हो जाता है, इसी प्रकार से एक अच्छे गुरु के पास जाने से वो जिस प्रकार के सेवा देते हैं वो करके और परहेज जो है पालन करके बड़े से बड़े मन का बीमारी भी दूर किया जा सकता है। जोन असम यात्मना योग दुष्प्राप्पा इति मे मति वास्यात्मना तु यत्र
सक्यो आप तुम उपायता। इस प्रकार से यह मन जो है वो अभ्यास से और वैराग्य से, हम यम और नियम से, परहेज और विधि से इसे स्थिर किया जा सकता है, ये मेरा मत है और ये संभव है। ययात्मा ययाति महाराज ने लंपट होते हुए भी ये कर लिया, अजामिल लंपट होते भी कर लिया, दीति क्रोधी होते भी कर ली, और चित्रकेतु जो है बहुत ही लालची था फिर भी वो कर लिया। हिप्पी हैप्पी हो गया, ऋषि ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापटी चपा में लग गया, दुखी सुखी हो गया। ये संभव है अर्जुन, एक अच्छे गुरु के पास जाके अभ्यास करो। ठीक है कृष्ण, ठीक है, पर मैं स्वीकार कर लिया संन्यास मार्ग में नहीं, जब पर निष्काम कर्म मार्ग में मान लो कि वो कोई चल गया और चलते चलते वो ना तो शुद्ध बनकर भगवत धाम प्राप्त करता है, फिर थोड़ा सा अधूरा रहता है, वो गंभीरता से नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन तो एक कटी पतंग की तरह होगा, एक बादल की तरह होगा, ना तो भगवत धाम प्राप्त किया, ना तो कर्मकांड करता तो स्वर्ग जाता, ना स्वर्ग भी नहीं मिला भगवत धाम भी मिला, वो अटक जाता है, लटक जाता है, भटक जाता है। ऐसे ऐसे जीवात्मा का क्या क्या गति होता है। कृष्ण अर्जुन वाचल आयाति सदयोपाय तुम योग चलति मनसा आप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिं कृष्ण गच्छति आयाति। वो सन्यासी नहीं है पर वो निष्काम कर्मयोग में मार्ग में लग गया, ययाति महाराज की तरह, पर मान लो कि वो मरते वक्त पूरी तरह से भगवान में ध्यान नहीं लगे, अंतकाल इच्छा माम एवं नहीं हुआ, उसका क्या होगा। अप्राप्त योग सिद्धि, वो भगवान का धाम को तो प्राप्त नहीं कर लिया। कच्चिन्नो भया विभ्रष्टा छिन्न भ्रम इवन नाशति अप्रातिस्तो महाबावो विमुड ब्रह्मनापति। वो तो ऐसा हो गया मानो कि वो ना तो आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त किया, ना भौतिक सफलता को, ना तो उसको भगवत धाम मिला, ना तो स्वर्ग मिला, वो तो कटी पतंग की तरह, एक कटा हुआ बादल की तरह भटकेगा, है ना। एतान्मे संशया कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषता तदन्य संशया अस्य चेताना ही उपाद्यते। ये मेरा संशय है कृष्ण, इसे कृपा करके दूर करो, आपके सिवा ये जो है संशय और कोई दूर नहीं कर पाया, अब मैं ठीक करता हूँ अर्जुन, बताता हूँ बताता हूँ। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते श्री भगवान वाच, अर्थात सीट बेल्ट को टाइट करके, हाँ सीट बेल्ट पहन कर टायर कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे, अर्थात हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेंगे। पात न एवा नामूत्र विनाशा तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तथा गच्छति। इस पवित्र मार्ग में, इस पुण्य मार्ग में, इस कल्याणकारी मार्ग में एक बार लग जाता है तो लग जाता है, अब वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, पर वो जाएगा जाएगा, तीसरे जन्म में जाएगा, वो जितना भक्ति करेगा वो उनके साथ हमेशा रहेगा। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया ना इह अपिक्रमनाशी। वो नाश नहीं होता है, ना विद्यतो ना नेहा अमृतम नाश होते, ना तो वो नाश होता है ना घटता है। ये भक्ति उन्होंने 10% किया तो 10% का 10% रहेगा, वो अगले जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म तीसरे जन्म में वो 11% से आरंभ करेगा। इस संसार में ऐसा कोई और क्रिया नहीं है, जो पीएचडी कर लेता है शरीर त्यागने के बाद अगले जन्म में फिर से एबीसीडी सीखना ही पड़ता है। अगर वो करोड़पति अरबपति धीरूभाई अंबाना भी है, फिर से वो जन्म लेगा, उनको जो है अनिल अंबानी और जो है मुकेश अंबानी पैसा नहीं देगा, ये लड़का या पिछले जन्म में हमारा बेटा था, नहीं, पर भगवान का भक्ति हमने 10% किया, 1% किया, 50% किया, 80% किया, वो जरूर भक्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा। अगर उन्होंने थोड़ा सा
प्राप्य पुण्य कृतम लोकाम शाश्वता समः सूचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट अभिजायते। वो जो है योगी जो भ्रष्ट हो गया है, वो या अगर वो थोड़ा सा भक्ति किया है तो जो है बहुत धनाढ्य व्यक्ति के घर पे जाएगा। जैसे अल्बर्ट फोर्ड अम्बरीश फोर्ड के पोता बनकर आया और प्रभुपाद जी से जैसे मिला, प्रभुपाद जी ने उनसे कहा आपका दादा हेनरी फोर्ड ने इतना बड़ा जो है धन संग्रह किया, अब वो कहाँ है। फिर सोचने लगा इतना सब करके वो मेरे दादाजी कहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं। तब उसके बंद अकल का ताला खुल गया और वो बहुत ही सुंदर भक्त बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर निर्माण करने में लग गया। सूची नाम यानी कि वो एक ब्राह्मण के घर पे जन्म लेता है। जैसे जैसे गौर गोविंद महाराज वो जन्म लिए एक वैष्णव परिवार में और गौड़ीय वैष्णव धारा में थे और वो जो है भक्ति आरंभ तो कर लिए पर वो गृहस्थ आश्रम के स्कूल मास्टर बने। 8 उनके संतान थे, वो सब त्याग करके हिमालय की ओर गए। फिर वापस वृंदावन आए, वृंदावन में प्रभुपाद जी से मिले तो उनको हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा तीनों प्रभुपाद जी से मिला और वो एक बहुत बड़े सन्यासी आचार्य गुरु के उपाधि को प्राप्त किए और अपने जीवन को सार्थक किए। अतावा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। इस प्रकार से वो जो योगी है पिछले जन्म में अधूरा भक्ति किया था, वो एक बड़े जो है भक्तों के घर में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है। और ऐसे बहुत सारे आत्मा ब्रज के वृंदावन कहते हैं जो है आत्मा भटक रहा है, जो एक अच्छे गृहस्थ वैष्णव गृहस्थ के घर में जन्म लेना चाहते हैं और अपने भक्ति को पूरा करके और इस संसार में भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो जन्म लेते ही 500 200 2000 श्लोक वगैरह याद करते हैं, मृदंग बजाते कीर्तन करते हैं। ये सब जो है पिछले जन्म का उनका भक्ति इस जन्म में वो फिर से उसे जागृत किया जा रहा है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वादेहिकम यत ते तो चतो भैया संसितिम कुरु नंदना। पर इस जीवन में वो जान लेते हैं पिछले जन्म में मैंने भक्ति को गंभीरता से नहीं लिया, हल्का फुल्का सा लिया और अधूरा छोड़ दिया था। इस बात में वो गलती नहीं करूंगा, अब मैं मुझे ये भक्ति मिला तो मिला, अब मैं बड़े गंभीरता से इसे लूंगा, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, मैं लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ से आगे जाने के लिए, भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए। और बहुत ही गंभीर हो जाता है, बहुत ही गंभीर हो जाता है। पूर्व अभ्यास न तेन एव हिर्यते ही अवसो अपि सह जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा अति वर्तते। इस बार वो जो है योगी योग मार्ग में जो कुछ भी है उसे स्वीकार कर लेते हैं, आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। वो अपने सारे नियमों को ठीक ठीक से पालन करके कोई गलती ना करते हुए कहीं अटकता नहीं है, लटकता नहीं, भटकता नहीं और यहाँ तक आकर यहाँ से आगे बढ़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयात प्रयात्नाद यतामनास्तु योगी समसुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध सतो याति परम गति। और अनेक जन्म का उनका जो सिद्धि है वो इस बार गंभीरता से करके वो हिप्पी हैप्पी बन गए, रूसी ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए, जापानी जापा में लग गए और अपने जीवन को सार्थक करके परम धाम को परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अर्जुन ये निष्काम कर्म के मार्ग में थोड़ा सा गलती भी कर लेता है, वो गिर भी जाता है तो वो फिर से उनके उनके साथ आने वाले उन्हें पकड़कर उन्हें और आगे लेकर जाते हैं, वो उठकर आगे बढ़ जाते हैं। पर दूसरे मार्ग में जो व्यक्ति सफलता भी प्राप्त कर लेता है, वो सफलता प्राप्त करके भी ऐसा भयंकर गिर जाता है, जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाता है। इसीलिए भक्ति का मार्ग श्रेयस्कर था, है और रहेगा, इससे श्रेयस्कर कोई कुछ भी नहीं। तपस्या उसके सामने कुछ नहीं, ज्ञान का मार्ग कुछ नहीं, कर्म का मार्ग कुछ नहीं। इसीलिए हर हालत में आप योगी बनो अर्जुन। तपस तपस तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मीभ्यो च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन।
तपस्वियों से श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है योगी, कर्मियों से श्रेष्ठ है योगी, इसलिए हर हालत में आप योगी बनो अर्जुना। भगवान ने ये नहीं कहा तस्मात् तस्मात् तपस्वी भव अर्जुना, भगवान ने ये भी नहीं कहा तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुना, भगवान ये भी नहीं कहा तस्मात् कर्मी भव अर्जुना, भगवान ये भी नहीं कहते तस्मात् PhD भव अर्जुना, ये भी नहीं कहते तस्मात् करोड़पति भव अर्जुना, भगवान कहते तस्मात् योगी भव अर्जुना। शुरू से लेके अंत तक योगी 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 में, पर योगी में अर्जुन आप साधारण योगी मतलब बहुत ही श्रेष्ठ योगी बनो, योगी नाम अभी सर्वेशम गोपियों जैसे योगी बनो, जो हर स्थान हर परिस्थिति और हर हालत में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। योगी नाम अभी सर्वेशम मदगतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त। इस प्रकार के जो आप योगी बनो तो योगी बहुत ही अच्छा योगी बनो, और ऐसा योगी बनो कि जो जो अपने आप को समझ लेता है और भगवान के अंश समझ के भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है। जैसे योगी योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से भगवान से जुड़ना, इस प्रकार से जुड़ जाओ जैसे गोपी भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है, इस प्रकार का योगी बनो, और ये जो है सबसे श्रेयस्कर कार्य है। ये मेरा मत है अर्जुन, तस्माद योगी भव अर्जुना, अर्थात हमें भी अब अर्जुन की तरह जो है एक श्रेष्ठ योगी बनने का प्रयास करना चाहिए। अब से लेके शरीर छूटने तक हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं, हम यहाँ तक आए हैं यहाँ से आगे जाने के लिए, और हम सबको जो है इसमें लग जाना चाहिए, और ये अच्छा भक्ति करने के लिए, भगवान की योजना को समझने के लिए, भगवद गीता को समझने के लिए भक्त बनना है, भक्त बनने के लिए हरि नाम का जप करना है, और अच्छी तरह से करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, और उतना अच्छा भगवद गीता समझ में आएगा, भगवान का योजना समझ आएगा, और भगवान का योजना में ध्यान लगाना यही योगी का काम है। इस प्रकार का योगी बनकर अपने जीवन को सार्थक करें और अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा।